हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखिए, जैसे हमने सेल करा था, सेल क्या होते हैं, एक सेल होता है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैसे ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, जैसे हम बाजार से सेल खरीद कर लाए उस पर क्या लिखा होता है, एक रेटेड लिखा होता है। मतलब जैसे यहाँ पर आपको सेल दिख रहा है तो उस पर जरूर लिखा होगा कि 3.3 वोल्ट की है, 1.5 वोल्ट की है, तो मतलब उस पर वोल्ट लिखा होता है, तो उसी को कहा क्या जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी इन ओपन सर्किट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ बच्चे नहीं देखते कि ओपन सर्किट है, मतलब ओपन सर्किट है, यहाँ से कनेक्शन नहीं है, मतलब इसको किसी चीज से कनेक्ट नहीं करा गया, तब इसकी वोल्टेज है। जब इसको कनेक्ट कर देंगे तब इसकी वोल्टेज इतनी नहीं रहेगी, वो कम हो जाएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी इन ओपन सर्किट, जब वो यूज में नहीं होती, इट इज द रेटेड वोल्टेज ऑफ द बैटरी, इसको क्या कहते हैं, रेटेड वोल्टेज भी कहते हैं। तो होप आपको समझ आया होगा ईएमएफ क्या होता है। अगर आपको समझ आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।